अब बात जल संकट पर छिड़ी सियासी बहस की करते हैं। जल संकट पर सियासत का पारा कई गुना बढ़ गया है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आरोप मढ़े जा रही है, तो उधर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ पुलिस के पास केस दर्ज करवा दिया है। ऐसे में अब दिल्ली बीजेपी के नेता लगातार आम आदमी पार्टी पर टैंकर माफियाओं के साथ मिलीभगत होने का आरोप तक लगा रही है। तो वहीं दिल्ली ने अब पानी की किल्लत के चलते अपनी मुश्किलें बयां कर दी है। आम आदमी पार्टी की सरकार भी अपनी ओर से एक दूसरे को ही जिम्मेदार ठहरा रही, यानी कि हरियाणा सरकार को भी वार पलटवार जारी है। हमने पुलिस में शिकायत की है, हमने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में साक्ष्य दिए थे कि मुनक नहर से ककोरी के बीच में पानी की चोरी वाटर टैंकर माफिया द्वारा की जाती है। उन साक्ष्यों के साथ कुछ और एविडेंस भी है जो हमने पुलिस को दिए हैं और बताया है कि जब से अरविंद केजरीवाल की सरकार दिल्ली में आई है टैंकर माफिया बढ़ा है, टैंकर माफिया को चोरी करने की छूट दी गई है। वो बिना प्रशासन की मदद के, बिना सरकार की मदद के संभव नहीं था। अब पुलिस अपना काम करेगी। सर, कहां से आपको लगता है कि जो सरकार इसमें इन्वॉल्व है? नहीं, सीधा सीधा अगर जल बोर्ड के ज्यूरिडिक्शन में, दिल्ली सरकार के ज्यूरिडिक्शन में मुनक नहर की कनाल आती है और वहां पर, वहां से जो पानी जा रहा है, वहां से अगर वाटर टैंकर माफिया चोरी कर रहा है तो किसका काम है? जल बोर्ड का काम है उसे रोकना, तो जल बोर्ड किसके पास है? दिल्ली सरकार के पास है। 9 साल पहले केजरीवाल ये कहकर आए थे कि शीला दीक्षित और टैंकर माफिया का आपस में साठगांठ है और आज उसी टैंकर माफिया केजरीवाल ने साठगांठ कर ली। ये कह रहे थे हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, दिल्ली को सोमालिया बना दिया। बूंद बूंद के लिए दिल्ली तरस रही है, पानी है नहीं और ये मजे कर रहे हैं, इनके नेता मजे कर रहे हैं कि पानी की सप्लाई में कोई समस्या नहीं है। पानी तो आ रहा है पर ये पानी जा कहाँ रहा है? वाटर टैंकर माफिया के पास पानी कैसे आ रहा है? इतना पानी लीक कैसे हो रहा है? और इसका कारण यह है कि दिल्ली जल बोर्ड और आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार का अड्डा है। 80,000 करोड़ का भ्रष्टाचार इन्होंने किया है। कोई भी वाटर पाइप ठीक नहीं करवाई, क्लीनिंग नहीं करवाई, जिसकी वजह से 40% पानी बर्बाद हो जाता है और जो बचा कुचा पानी है दिल्ली के जनता का वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने साठगांठ की हुई है वाटर टैंकर माफिया के साथ मिलकर। और जैसे पानी आता है वो पानी वाटर टैंकर माफिया को दे देते हैं और भारी भरकम कीमतों पर उसको बेचा जा रहा है, पानी की नीलामी हो रही है। ये आम आदमी पार्टी का कनेक्शन तब भी सामने आया जब उनके विधायक कन्विक्ट हो चुके हैं वाटर टैंकर माफिया के साथ साठगांठ करने के लिए, पैसा वैसा लेने के लिए इनके विधायक भी कन्विक्ट हो चुके हैं। और वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से क्या कहा गया है ये भी सुनना जरूरी है, आइए जानते हैं। जब हम हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं तो वो लगातार हमें कहते रहते हैं हम तो पानी छोड़ रहे हैं। ये रास्ते में पानी कहां गायब हो जाता है? लेकिन हरियाणा सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। उनके अपने सुप्रीम कोर्ट में दायर एफिडेविट से पर्दाफाश हो गया है। बिल्कुल फाइल होगी, हम तो पाक साफ हैं। आतिशी जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, सौरभ जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ने मिलकर के इस प्रकार संभाला है डिपार्टमेंट को, आई सल्यूट देम। बट क्या है कि डिपार्टमेंट जब तक वो एलजी साहब के इन्फ्लुएंस में रहेगा तब तक काम में रुकावट डलती रहेगी। मुझे आशा है कि इस बार जो मोदी जी का 240 जो आया संख्या, हो सकता है इस बार वो एलजी साहब को उतना तंग ना करें जिससे कि वो हमको तंग ना करें। लेकिन सारे रिफॉर्म्स हैं, केजरीवाल साहब का बहुत बड़ा विजन है दिल्ली की एक एक बूंद को हर घर। आम आदमी पार्टी जिन दो प्रदेशों को दिल्ली की पानी की किल्लत के लिए जिम्मेदार ठहरा रही है वो राज्य है हरियाणा और हिमाचल। ऐसे में यह भी जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेश के बाद क्या हिमाचल ने पानी छोड़ दिया है और हरियाणा ने इस पानी को क्या दिल्ली की तरफ भेज दिया है या फिर नहीं। इसे समझने के लिए हम आपको हरियाणा के सिंचाई मंत्री अभय यादव और हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को भी सुनवाना चाहते हैं, जिनसे यह समझा जा सकता है कि आखिर समस्या है कहां, कहां बात अटकी हुई है, पानी हरियाणा होते हुए दिल्ली क्यों नहीं जा रहा है, आइए सुन लेते हैं। देखिए, ये इशू पिछले कई दिन से चल रहा है और मीडिया के लोग इसको देख रहे हैं, मेरे से भी कई बार इस विषय में पूछा गया है। हमारा कंसिस्टेंटली स्टैंड यही रहा है और हम हमेशा यही बात कहते रहे हैं कि हम पूरा पानी दिल्ली को दे रहे हैं, बल्कि जितना उनका
हक है उससे ज्यादा पानी हम दे रहे हैं। हम शुरू से इस बात के प्रति जागरूक हैं कि नेशनल कैपिटल में किसी तरह की पानी की ड्रिंकिंग वाटर की अव्यवस्था ना फैले। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि पानी उनको पूरा दिया जाए और वो उस पानी का कैसे इस्तेमाल करते हैं, उसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं, वो उनकी जिम्मेवारी है। अगर हमारा पूरा पानी देने के बाद भी उनको पानी की कमी महसूस होती है तो मैं शुरू से ये कहता रहा हूँ, हमारा स्टैंड यही रहेगा कि वो अपने अंदर के मैनेजमेंट को देखें कि कहाँ कमी है, पानी की कमी नहीं। देखिए, हमने पानी छोड़ा हुआ है, अब सुप्रीम कोर्ट को इस बात की जानकारी देने की बात हमने वकीलों को कही है। जो हमने पानी छोड़ा हुआ तो उसमें हम तो देने को तैयार है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और क्यों लताड़ लगाई ये हमें समझ नहीं आ रहा। जब हमने पानी छोड़ने का आदेश दे दिया है और निश्चित रूप से पानी हरियाणा से होकर जाएगा, हमारा पानी कोई हम रोक के थोड़ी रखे हैं। हम तो बोलते हैं और जितना पानी लेना, दिल्ली भी हमारी राजधानी है, इस देश के नागरिक दिल्ली में भी रहते हैं और हमारा दायित्व भी बनता ही है, ये पुल का काम भी है। तो इसमें अभी मुझे इस बारे के फैसले का पता नहीं है कि किन परिस्थितियों में उन्होंने इस बात को कहा है, और अगर ऐसी बात है तो हम उनको आश्वासन देते हैं कि हमारे पानी छोड़ा, हमने कोई रोका।